हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? होप करती बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ मैं दिन से। दिन का टाइम है अभी 12:30 हो रहे हैं, तो मैं बनाने जा रही हूँ लंच, जो कि एक हेल्दी लंच होने वाला है और जिसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इतना हेल्दी है कि अगर आप वेट लॉस की जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। तो आजकल मैं थोड़ा लगी हुई हूँ ऐसे खाना खाने में जो कि हेल्दी हो, हमारे लिए भी हेल्दी और मेरे बच्चे के लिए भी हेल्दी हो, तो ऐसी चीज़ें मैं बनाने की आजकल कोशिश कर रही हूँ। तो उनमें से एक चीज़ ये भी बनाने जा रही हूँ, जो कि मैं आपको बताती हूँ क्या बताने जा रही हूँ। जो कि बनाने जा रही हूँ मैं दलिया खिचड़ी है, जिसको दलिया का नाम सुनते ही काफ़ी लोगों को ना ऐसा सा हो जाता है दलिया खाना पड़ेगा, तो बीमारों वाली डिश है, कितना गंदा लगता है। या ये खिचड़ी, एक तो खिचड़ी है ऐसा टिपिकल नेम है कि लोग सोचते हैं खिचड़ी सिर्फ बीमारों का खाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। खिचड़ी बीमारों का खाना नहीं है, अगर उसे ठीक से बनाया जाए, स्वाद के साथ बनाया जाए, तो वो बहुत टेस्टी और अच्छी बनती है। और दलिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें चावल बिल्कुल नहीं डलेगा, तो वो वैसे वेट लॉस करने में फ़ायदा करेगा, और छोटे बच्चों के लिए भी दलिया उसके पेट उनके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरीके से दलिया खिचड़ी बना रही हूँ। फुल और वेजीज से भरी हुई ये खिचड़ी है, तो देखिए। और आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस की जर्नी में, आपको ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट देने वाला है। आप दिन के टाइम लंच में इसे ले सकते हैं। बाकी सारी डिटेल मैं आपको आगे बताती जाऊँगी। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन के अंदर, और ये रहा सोक करा हुआ दलिया, जिसको मैंने धो लिया है, जो 1 से 1.5 कटोरी के बीच में है। इसको अच्छे तरह से वॉश कर लेना, आप भी इस तरीके से रख लेना वॉश करके अलग से। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स जो डाल रही हूँ वो बता देती हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ बीन्स, कैप्सिकम, ऑनियन और टमाटो। तो ये डालकर जो है ये दलिया खिचड़ी जो है हमारी बनने वाली है। बीन्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन है और दलिए में कार्बोहाइड्रेट है, तो ऐसे मतलब सारी चीज़ों में हमें, और शिमला मिर्च भी बहुत अच्छा है शरीर के लिए, तो ये हमारे लिए फुल ऑफ हेल्दी जो है खिचड़ी होने वाली है। तो फटाफट जो है हम कुकर को चढ़ा लेते हैं गैस पर, और इसको जो हम बनाएंगे देसी घी में, क्योंकि जो ऑयल वगैरह है वो गुड फैट में नहीं आता, घी है जो गुड फैट में आता है। तो आप इसमें 2 चम्मच आप घी ले सकते हैं, और दिन का 3 से 4 चम्मच घी अगर आप कंज्यूम करते हो तो वो बॉडी के लिए ठीक है, ज़्यादा नहीं होता है। अब इसमें तड़का लगाएंगे हम जीरे का, जीरा, और लगा सकते हैं आप इसमें हींग का, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं, पर मैंने लहसुन इसमें नहीं डाला था, तो आप लहसुन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरक ऐड कर सकते हैं, पर मैंने वो दोनों चीज़ें नहीं डाली थी, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया आप जीरा, हींग और ये प्याज। प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउन करने तक हमें जो है अच्छे से सिम, जो बोलते हैं ना आँच पर, अच्छे से जो है हमें इसे फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाए तो उस स्टेज पे फिर इसमें टमाटर डाल दो, या बाकी आप शिमला मिर्च, कैप्सिकम जो है, ये सारी सब्जी बना के अच्छे से इसको जो है सॉटे कर लेना है। वो मैं आगे कर रही हूँ, आप देखिए। Thank you.
तो ये सारी सब्जी अच्छे से सॉटे करने के बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ये दलिया मिलाने लगी हूँ। तो अब इसको अच्छे से आप दलिए को भी 5 मिनट के लिए, 5 मिनट या 2-3 मिनट के लिए इसमें कुकर में डाल के साथ सब्जियों के साथ अच्छी तरीके से फिर से मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। और जैसे ही आप इसको डालोगे ना कुकर के अंदर दलिए को, तो दलिया थोड़ा सा हल्का हल्का सा आपको देखोगे कि फूलने लगा है, वो आपको अलग ही मतलब इसका टेक्स्चर चेंज होते हुए दिखने लगेगा। तो हल्का सा इसको भी फ्राई करना है, तो ये मैं कर रही हूँ। यहाँ पे पीछे हस्बैंड कुछ बोल रहे थे शायद। और उसके बाद आपने जितना दलिया लिया है उससे डबल जो है इसमें पानी ऐड करना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देख लीजिए कैसा हो गया ये। तो अभी मैंने अगर इसको 1.5 कटोरी लिया था तो मैं ये जो फुल 2-2.5 कटोरी पानी मैंने पहले डाला, जो ये मैं अभी डाल रही हूँ, और मेरे को ये इनफ नहीं लगा था, मुझे लगा कि ये कम है। क्योंकि अगर मैं इसको सिर्फ इतना पानी डाल के छोड़ देती ना तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती और एकदम ऐसा बनता जैसे आप नमकीन चावल बना रहे हो, बट हमें एज ए खिचड़ी बनानी है तो थोड़ा सा हल्का सा लिक्विड ही से रखना था। तो पानी आप ज़्यादा डालते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि खिचड़ी को पतला पतला खाएंगे तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो मैंने एक बाउल में दोबारा पानी लिया और उसको आधा और डाल दिया। तो ये देखिए आप पानी की कंसिस्टेंसी देख सकते हो कि मैंने कितना डाला है। और ये पानी जब डालने के बाद खिचड़ी बन के निकली थी तो एकदम परफेक्ट खिचड़ी जो है बन के निकली थी, ना ज़्यादा पानी था ना ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा चावल जैसा हो रहा था। तो बाकी आप इसमें आप 1 से 2 सीटी लगाने के बाद जो है ये हमारे खाने के लिए अच्छे से जो है तैयार हो जाएगा। उसके ऊपर आप गार्निश कर सकते हैं धनिया वगैरह की और सर्व कर सकते हैं। चलो फिर इसको 2 सीटी का इंतज़ार करते हो और फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना है। तो फाइनल लुक जो हमारी खिचड़ी का वो इस तरीके से आया है, देख सकते हो आप। फुल ऑफ वेजी, हेल्थी, टेस्टी और यमी बनी है ये खिचड़ी। इसमें आप चाहे तो ऊपर से नींबू डाल के खा सकते हैं और नहीं तो नींबू और सैलेड है, सैलेड लेना ज़रूरी है, और सॉरी दही और सैलेड है। दही आप अवॉइड कर सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं क्योंकि इसमें बीन्स है, प्रोटीन है और दही में भी अपना एक प्रोटीन है तो ज़्यादा मात्रा ना हो। और खीरा जो है सैलेड में आप कुछ भी ले सकते हैं, गाजर, खीरा, मूली, इट्स टोटली आप पे डिपेंड है, बट ये एक हेल्दी खिचड़ी है, दलिया खिचड़ी, जो आपको फिट होने में पक्का हेल्प करने वाली है। तो ये थी रेसिपी, अगर आपको कैसी लगी है बताना और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।